क्रेडिट कार्ड और क्या आपके सिंपल कार्ड होते हैं जो सिंपल यूज़ के लिए होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पहले क्या होता है ये। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पास आपने देखा होगा ये रुपए कार्ड होता है, SBI की तरफ से जो दिया जाता है। और हम लोग समझते हैं कि शायद यही क्रेडिट कार्ड है, लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। असल में क्रेडिट कार्ड है वो एक इसी कार्ड की तरह होता है, लेकिन उसमें आपको एक जो इसको लेता है क्रेडिट कार्ड को, उसको एक अमाउंट जारी किया जाता है बैंक की तरफ से कि आप इतने रुपए की सामान यहाँ से खरीद सकते हैं और आपको इसका पेमेंट है वो बाद में करना पड़ेगा। यानी कि आपको उस कार्ड में अमाउंट दे दिया कि आपका 50,000 का कार्ड बना दिया, बाद में आपके वो 50,000 रुपये काटेगा, लेकिन आप 50,000 रुपये की ख़रीदारी वहाँ से कर सकते हैं। आपके पास वो पैसा नहीं होगा, लेकिन बाद में आपसे काट लेगा। इस प्रकार का होता है आपका क्रेडिट कार्ड आपका जो होता है। अब मैं बताता हूँ कि असल में क्रेडिट कार्ड कैसे होते हैं और क्या होते हैं। देखिए सिंपली सेव SBI कार्ड है, 500 रुपये इसकी पहली साल की फ़ीस होती है, तो ये बनता है आपका, ये होता है क्रेडिट कार्ड। यात्रा SBI कार्ड, इसकी भी 500 रुपये की आपकी फ़ीस है। तो सीधी सी बात है कि जो SBI के आपके जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनकी एनुअल फ़ीस लगती है, और पहले साल की जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है 500 रुपये की फ़ीस है। अब आपको दिखाते हैं कि SBI के आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो कैसे होते हैं और क्या होता है उनमें डिफरेंस। तो आपके जो क्रेडिट कार्ड्स होंगे, यहाँ पर बैंक का नाम होगा, यहाँ पर आपकी एक आपकी जो EMV चिप है वो होगी। बैंक का नाम होता है जिस बैंक की तरफ से वो आपको जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक आपका होता है नंबर 3 पर होलोग्राम, इस प्रकार का एक क्रेडिट कार्ड संख्या होगी। उसके अलावा एक ब्रांड लोगो होगा, जैसे मास्टर कार्ड वगैरह यहाँ पर लिखा होता है वैसा। उसके अलावा एक आपकी समापन तिथि, जो कि आपके नॉर्मल कार्ड में भी होती है, कार्ड धारक का नाम भी होता है। तो आपका जो कुछ है वो सब कुछ लगभग समान होता है। और बैक में भी आप देखेंगे तो बैक में भी आपका एक चुंबकीय पट्टी, एक हस्ताक्षर पट्टी और एक आपका सुरक्षा कोड दिया होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका कैसा दिखता है आपका क्रेडिट कार्ड, तो वो होता है ऐसा। आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा दोस्तों वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, इस पर लिखा होगा बीजा सिग्नेचर लिखा हो सकता है, या जिस भी कंपनी ने आपको जारी किया हुआ है वो आपका हो सकता है, इस प्रकार का कार्ड हो सकता है आपका। ये होगा, ये क्रेडिट कार्ड की सूची में आएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, ये देखिए बीजा प्लेटिनम, ये होते हैं इसकी जो लिमिट यूज करने की होती है वो होती है ये कि बीजा प्लेटिनम है तो आप में इसमें कितनी ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो था बीजा सिग्नेचर, तो ये लिमिट के हिसाब से है कि आपको बैंक कितना कर्ज देगा। इस प्रकार के आपके ये कार्ड होंगे। मास्टर कार्ड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक की तरफ से दिया गया, किसकी तरफ से देते हैं तो वो सारे हैं। देखिए प्लेटिनम कार्ड है, ये गोल्ड कार्ड है, और ये देखिए आपका सिल्वर वगैरह, ये सारे इस प्रकार के कार्ड होते हैं। और हम लोग क्या समझते हैं कि हमारा ये जो रुपए कार्ड है दोस्तों वो क्रेडिट कार्ड है। दरअसल वो क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जिसमें आपको एक लोन की तरह से आपको जो रुपया दिया जाता है और आपको बाद में वो चुकाना होता है, तो आपको पहले रुपया मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रेडिट कार्ड।